भी क्लिनिक से मैं डॉक्टर एसपी वर्मा। आज हम बात करेंगे उन पेशेंट से जो हमारे यहाँ से दवाई खाकर ठीक हो चुके हैं या अभी जो दवाई खा रहे हैं जिनको पहले से काफ़ी हद तक आराम है। आइए जानते हैं उनके फीडबैक। हेलो जी, कन्हैया सोनी जी से बात हो रही है हमारी? हाँ सर जी। जी जी कन्हैया जी, आपका इलाज चल रहा था हमारे यहाँ से, हाँ सर। आपको फिशुला की बीमारी थी, अभी कैसे हाल चाल है उसमें? अभी ठीक है सर। अच्छा, ठीक है पहले से? हाँ सर। जो पसाने की समस्या थी, खुजली जलन होती थी? पस तो नहीं आ रही है सर। अच्छा, इस समय लगभग लगभग कितने परसेंट तक ठीक होंगे आप? पूरी तरीके से ठीक हैं कि कुछ अभी थोड़ा बहुत बाकी है? नहीं अभी, मतलब ऐसा है सर कि देखिए अभी 1-1.5 महीने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा बीच में उतने 6 महीने दवाई ले रहा था सर, तो जी। वो प्रॉब्लम ऐसे बीच बीच में आती जा रही थी सर अच्छा, जी। जैसे 1.5 महीने पहले एकदम से मतलब पास आया था, और बाइल्स की जो थोड़ी बहुत समस्या बनी हुई थी सर, तो अभी तो ऐसा नहीं लग रहा सर। मतलब मोशन चलिए ठीक है, पहले से काफी हद तक ठीक है आप। जी जी चलिए, पर ऐसा लगता है सर कि अपन जैसे आगे चलकर दवाई बंद करें और फिर वो प्रॉब्लम मतलब फिर नहीं से ना नहीं हो ऐसा जाए, कुछ भी ऐसा नहीं लगता है होगा, क्या? ऐसा नहीं होगा। बाकी ये बताइए, आपको ये बीमारी कितने सालों से थी? लगभग 1.5 साल हो गए सर, 1.5 से 2 साल। अच्छा, लगभग 1.5-2 सालों से थी दो ये। साल हाँ, अभी दवाई खाते हुए हमारे यहाँ से कितना समय हुआ है? अभी 6 महीने हो गए सर पूरे। अच्छा, 6 महीने दवाई खा ली, 1.5-2 सालों की समस्या लगभग लगभग तक ठीक है आपको? हाँ सर। चलिए ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ से समय समय पर कॉल करके आपका अपडेट लिया जाता था? हाँ सर। अच्छा, ठीक है। हमारे यहाँ से जो भी सुविधाएं थी दवाई लेने से लेके अब तक, सारी सुविधाओं से आप संतुष्ट हैं? हाँ सर, पर वही है, अभी मेरे को लगता है दवाई खा रहे हैं तब तक ठीक है, पर बाद में फिर दिक्कत ना हो। नहीं नहीं बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर ठीक हो जाएंगे तो पूरी तरीके से ठीक होंगे, ठीक है? पर बाइल्स की समस्या तो बनी हुई सर। नहीं नहीं वो भी ठीक हो जाएगी, ठीक है। अभी दवाई कंटिन्यू करिए, थोड़े जो समस्याएं बची हैं उन सब में आराम मिल जाएगा, ठीक है? अच्छा सर, चलिए ठीक है। कन्हैया जी अपना ध्यान रखिएगा। जी। यदि आपको पेट से जुड़ी हुई किसी भी तरीके की तकलीफ है या आपने फाइल से जुड़ा हुआ किसी भी तरीके का ऑपरेशन कराया है, उसके बावजूद अभी आप पूर्ण रूप से स्वस्थ महसूस नहीं कर रहे हैं, तो नीचे दिए हुए नंबरों पर एक बार आप हमारी टीम से संपर्क कर उचित परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।